अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग ठीक है तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकेप्सुलेशन से रिलेटेड रिलेटेड इनकेपसुलेसन हमने आज स्टडी करना है इसको देखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनकेपसुलेसन क्या काम करती है किस तरीके से इसका वर्क रोल प्ले होता है मतलब ये प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज़ की जा सकती है इसके एडवांटेजेस क्या हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इन के बारे में बताता हूँ कि इन होती क्या है इन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक यूनिट के अंदर बाइंड करना इनकेप्सुलेट कर देना किसी चीज़ को एक यूनिट के अंदर बाइंड करना और यूनिट के अंदर बाइंड करने के बाद उस उस प्रोसेस को उस चीज़ को उस फंक्शन को कंपाइल करना तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले किस चीज़ को देख रहे होते हैं मेंबर फंक्शंस को देख रहे होते हैं डाटा मेंबर्स को देख रहे होते हैं ठीक है

मैं व्यूअल स्टूडियो स्टार्ट कर लूँ उसके बाद मैं इसको कोड के ऊपर लेके आता हूँ कोड के ऊपर लेने के लेके आने के बाद आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मतलब इसके ऊपर किस तरीके से आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो ठीक हो गया तो इससे पहले मैंने आपको प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं किस तरीके से इनका वर्कआउट कंप्लीट किया जाता है ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं ठीक है तो अभी हम इन के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं कि इन के प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं वर्कआउट में लेके आ सकते हैं ठीक हो गया सबसे पहले हम जो है इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद C++ की फाइल को इंटीग्रेट करेंगे हम ठीक है C++ की फाइल को इंटीग्रेट करने के लिए हमने C++ Visual C++ में आना है उसके बाद जनरल में आना है जनरल में आने का बाद, empty project, empty project के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट के बाद इधर प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है ठीक है ENC के नाम से मैं लिख देता हूं एनकैप्सुलेशन का अगर मैंने प्रोजेक्ट करना है तो मैंने ENC के नाम से एक फाइल ऐड कर दी है तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है ठीक मतलब कि को, को किस तरीके से हम बाइंड करते हैं ठीक है क्लास का बेसिक मकसद ही होता है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्रिएट करते हैं तो हमारा मकसद ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है कि ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करना है ठीक है ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन कई डिफरेंट मेथड से हो सकती है कई डिफरेंट तरीकेकार से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कर सकते हैं थ्रू ऊ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस को यूज करते हुए ठीक है तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक पेज ऐड करते हैं राइट क्लिक करेंगे ऐड करेंगे न्यू आइटम्स ठीक है न्यू आइटम करने के बाद हम सी प्लस प्लस फाइव यहाँ पे ऐड करते हैं अभी यहाँ पे C++ तो प्लस प्लस हम कोड को कंपाइल करेंगे ये मैंने मैंने कोड है मेरे पास एक मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है इसको मैं जूम कर रहा हूँ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको इस कोड को समझाऊंगा कि ये क्या कोड है किस तरीके से वर्कआउट करता है ठीक है सबसे पहले वो बता रहे हैश है इंक्लूड आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड आयो एक लाइब्रेरी है, है सर्चिंग करता और है और इंक्लूड का कीवर्ड क्या है आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी को ऐड कर रहा है अगर हम आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी ऐड नहीं करते तो हम सी प्लस प्लस के कोड को यहाँ पे कंपाइल नहीं कर सकते ठीक है तो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी क्या करती है हमें सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करने में एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करती है ठीक हो गया उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटडी का क्या का काम होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटडी ये चीज बता रही होती है हमें कि जो ऊपर वाली आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरीज हैं और जो नीचे वाली क्लास है ये पूरा फंक्शन ये पूरी क्लासेस ये पूरे फंक्शंस को इस लाइब्रेरी को और इस फंक्शंस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है एक ब्रिज प्रोवाइड कर रही है एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है जो कनेक्शन क्या है जी आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस एसटडी के जरिए इन दोनों का आपस में कनेक्शन करती है ठीक है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ये ऊपर लाइब्रेरी का और नीचे जो हमारे पास कोड है ठीक है जो बॉडी ऑफ द कोड में हम लिख रहे हैं इसका आपस में कनेक्शन बनाती है एक लिंक बनाती है इस कनेक्शन के जरिए यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी के जरिए हम इस कोड को कंपाइल कर रहे हैं यूजिंग के वर्ड से आपको पता चल रहा है यूजिंग का वर्ड से पता चल रहा है कि हम यूज कर रहे हैं नेम स्पेस एस टी डी एस टी डी फाइल्स को एस टी डी लाइब्रेरीज को ठीक है अब जब ये कंप्लीट हो गया हमने यूजिंग नेम्स पेस्टडीज कर लिया है उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं क्लास के अंदर इनकैप्सुलेशन लिखते हैं इनकैप्सुलेशन मैंने नेम ऑफ द क्लास लिखा है यहाँ पे ये क्या है जी नेम ऑफ द क्लास ठीक है ये नेम ऑफ क्लास है ठीक है क्लास आई इनकेप्सुलेशन ये नेम ऑफ द क्लास है ये यूज़र डिफाइन है आप अपनी मर्जी से भी क्लास का नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे इनकेप्सुलेशन का प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए मैंने नेम ऑफ़ द क्लास इनकेप्सुलेशन लिख दिया ठीक हो गया उसके बाद मैं प्राइवेट में जाता हूँ डेटा हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड जो भी चीज़ आप प्राइवेट के अंदर रखते हैं वो इस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती है बट इस क्लास के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है किसी भी चीज को अगर आप प्राइवेट रखते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डाटा हिडन होता है ये क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं है, ही है. कि किसी भी अप्रोच में चले जाए किसी भी टूल में चले जाए ठीक है तो प्राइवेट के अंदर कोई भी चीज आपने डिक्लेयर की है तो वो जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है विद इन द क्लास अब ये क्लास की बाउंड्री कहाँ तक है मैं ये आपको बताता हूँ इस क्लास की बाउंड्री ये देखिए ये क्लास जो है यहां से स्टार्ट हो रही है यहां से और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको हाईलाइट किया है तो ये हाईलाइट हो गया ये देखिए ये क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है और ये इसकी क्लोजिंग है क्लास को क्लोजिंग करने के लिए ये चीज यूज की जाती है ठीक है ये कीवर्ड्स ये यूज किया जाता है क्लास को क्लोज करने के लिए ठीक है क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे क्लोज हो रही है इस क्लास के अंदर अंदर हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं इस क्लास के बाहर हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते ठीक है इसी तरह पब्लिक में चले जाए फंक्शन टू सेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स ठीक है हम एक फंक्शन बनाते हैं ठीक है इंट ए जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है एक पैरामीटर के तौर पे काम कर रहा है ठीक हो गया जो इंट ए है वो एक पैरामीटर के तौर पे काम कर रहा है जो नेम ऑफ द फंक्शन है वो है सेट ठीक है और उसके बाद मैंने एक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी है एक्स क्या है मेरे पास प्राइवेट मेंबर है उसको मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन असाइन पैरामीट्रिक वैल्यू असाइन कर दी है ठीक है और इस फंक्शन को मैंने किस में रखा हुआ है पब्लिक में जो भी चीज़ पब्लिक में रखी जाती है वो विद इन द क्लास भी आप यूज कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास भी यूज कर सकते हैं तो पब्लिक के अंदर किसी भी चीज़ को रखा जाएगा तो विद इन द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास आप दोनों जगह उसको यूज कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं

डेटा मेंबर भी कहते हैं ठीक है डेटा मेंबर ऑफ क्लास इन कैप्सुलेशन ठीक है ये डेटा मेंबर ऑफ क्लास इन कैप्सुलेशन क्लास जो इन कैप्सुलेशन क्लास मैंने बनाई हुई है ये उसका क्या है डेटा मेंबर है ठीक हो गया अब ये फंक्शन है फंक्शन उस उस वक्त तक उस वक्त मेंबर फंक्शन बनता है जब डाटा मेंबर को उस फंक्शन के अंदर यूज किया जाए अगर इस डाटा मेंबर को इस फंक्शन में यूज़ नहीं किए कर रहा मैं तो ये जस्ट खाली वाइड सेट एक फंक्शन है लेकिन अगर डाटा मेंबर को इस डाटा मेंबर को मैं फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या होगा मेंबर फंक्शन होगा ठीक हो गया एक्स इज इक्वल टू ए इंट ए पैरा मीटर है पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया प्राइवेट डाटा मेंबर को इनिशलाइज कर दिया ठीक है तो उसके बाद वो कहता है फंक्शन टू रिटर्न वैल्यू वेरिएबल यहां पे जो इंट इंट गेट गेट है int get ये फंक्शन बनाया है और उसके अंदर मैंने रिटर्न एक्स क्या, क्या चीज की हुई है रिटर्न वैल्यू एक्स की हुई है तो मैंने पूरी की पूरी क्लास के रिजल्ट को सेट के रिजल्ट को जो सेट के अंदर वैल्यू है एक्स उसके रिजल्ट को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है तो पूरी क्लास को मैं एक जगह के कॉल कर रहा हूं इसको हम कहते हैं इनकैपसुलेशन। ये इनकैपसुलेशन हो रही है कि पूरे मेंबर फंक्शन को ठीक है मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में मैं बाइंड कर रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे हम इनकेशन यहाँ पे ये इनकेप्सुलेशन हो रही है ठीक है एक सिंगल यूनिट बनाती है इंट गेट जो है

क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इन कैप्सुलेशन क्या क्या बनाया ऑब्जेक्ट OBJ बनाने का मेथड आपको पता है कि आपने क्लास का नाम लिखना है और उसके बाद यूजर डिफाइन कोई भी अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं पे ओबीजे के नाम से लिखा हुआ है आप खाली ओबी लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है आप बी भी, भी लिखेंगे तो खाली ऑब्जेक्ट ही है ठीक है ओबीजे OBJ ऑब्जेक्ट एक बनाया हुआ है अब ऑब्जेक्ट के जरिए उस क्लास को कॉल करना है उसके मेंबर फंक्शंस को हमने उस ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करना है तो मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ और डॉट लगाता हूं जब भी आप ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास तक जाता है और इस क्लास के मेंबर फंक्शन को पब्लिक मेंबर को कॉल करता है ठीक है और डाटा मेंबर जो पब्लिक में पड़े होते हैं उनको कॉल करता है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ओबीजी लिखा डॉट सेट सेट लिखने के बाद मैंने क्या किया फाइव वैल्यू को कॉल किया ठीक है फाइव वैल्यू को मैंने सेट कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट सेट फाइव अब ये फाइव कहाँ पे आ रहा है ये फाइव जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे जो ए है इधर ये सेट सेट हो रहा है है ऑब्जेक्ट डॉट ठीक और ये एक्स की वैल्यू पे कॉल हो रही है रिटर्न एक्स यहाँ पे कॉल हो रही है ठीक है दोबारा से देखें ऑब्जेक्ट डॉट सेट सेट कौन सा मेंबर फंक्शन है सेट ये वाला मेंबर फंक्शन है इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है मैंने ए को ए की जगह क्या है वो किस वैल्यू को फिक्स कर रहा है फाइव को फिक्स कर रहा है ठीक है ऑब्जेक्ट डॉट सेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट कर रहा है ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्या कर रहा है रिटर्न एक्स को गेट कर रहा है ठीक है उसके बाद सी आउट कर रहा है सी आउट करने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट लेकिन रिजल्ट वो यहाँ पे वो सेट के अंदर एक वैल्यू को दे रहा है जो वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज की हुई है उसको वैल्यू दे रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट जो एक सिंगल यूनिट बनाया हुआ था जिसको मैं इनकेप्सुलेशन कह रहा था कि एक सिंगल यूनिट के जरिए मैं मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ठीक है डाटा मेंबर को कॉल कर रहा हूँ तो ये एक सिंगल यूनिट क्या करेगा मुझे रिजल्ट देगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने रिटर्न जीरो किया हुआ है तो मैं अगर यहाँ पे सिस्टम पॉज करूँ तो ये मेरा एरर खत्म हो जाएगा ठीक हो गया मैंने यहाँ पे सिस्टम पॉज किया और सिस्टम पॉज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉज मतलब स्क्रीन को स्टक कर दे रोक दे ठीक हो गया सिस्टम पॉज करने के बाद मैं इसको आगे कंपाइल करता हूँ देखता हूँ क्या होता है ठीक है अब मैंने इसको कंट्रोलर्स किया कंट्रोलर्स करने के बाद मैं इसको लोकल विंडो डिबगर के ऊपर कंपाइल करता हूँ और स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है जो हमने वैल्यूज दी है उसको वो इसी के गैस की आउटपुट जनरेट कर रहा है

करता हूं रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि इससे ज्यादा और जो है वो रिफाइन हो ठीक है अब यहां पे क्या करते हैं जी ऑब्जेक्ट गेट है ऑब्जेक्ट ऑडकेट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ और इधर लिख देता हूं एंड एल ठीक है एंड लाइन कर दिया ठीक है और एंड लाइन करूंगा तो मेरे पास सोलूशन जो है वो क्लियर आएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा इसको अगेन मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ कंपाइल करने के बाद इसकी आउटपुट्स देखता हूँ ये आपकी विंडो स्क्रीन है ठीक है ये देखिए जी फाइव आंसर मेरे पास आ रहा है ठीक है अब इस प्रोग्राम के अंदर इस कोडिंग के अंदर आपकी इनकेप्सुलेशन भी हो रही है और आपकी एब्स्ट्रैक्शन का कोड भी हो रहा है इस प्रोग्राम में आपकी इनकेशन भी हो रही है एबस्ट्रक्शन भी हो रही है पे हो रही है बेसिकली ना आपने एक मतलब पैरामीटर लिया है पैरामीटर के अगेंस्ट एक वैल्यू इनिशलाइज की है यहाँ पे रिटर्न एक्स किया और उसके अगेंस्ट आप एक वैल्यू फिक्स कर रहे हैं और आउटपुट जनरेट करें एक वैल्यू फिक्स कर रहे हैं और इसके आउटपुट जनरेट कर रहे हैं ठीक है तो ये इनकेप्सुलेशन हो रही है और साथ साथ भी हो रही है है का मतलब होता कि आप अपने डेटा को हाइड कर लेते हैं और शो बस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो आप कस्टमर को देना चाहते हैं वो देते एब्सट्रक्शन मतलब आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हैं बाकी सारा डाटा जो है वो हिडन रखते हैं इनकेप्सुलेशन होती है कि आप पूरी की पूरी क्लास को एक सिंगल यूनिट में कॉल कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे मेरे पास पूरी की पूरी क्लास पड़ी हुई है ठीक है प्राइवेट में भी है फंक्शन सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन मैं पूरी क्लास को एक सिंगल यूनिट में कॉल कर रहा हूँ एक मेंबर फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ इसको मेंबर फंक्शन क्यों कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हम डाटा मेंबर यूज कर रहे हैं इसलिए इसको मेंबर फंक्शन भी कहेंगे इसको एक सिंगल यूनिट भी कहेंगे और यहाँ पे ही आपकी इंकैपुलेशन हो रही है ठीक है इनकेप्सुलेशन का मकसद होता है कि मेम्बर फंक्शन और एक पूरी क्लास को एक सिंगल यूनिट में कॉल करना और इसी सिंगल यूनिट से रिजल्ट को जनरेट करना इसको हम कहते हैं इंकैपुलेशन ठीक है अब डॉट सेट फाइव किया इसके बाद ऑब्जेक्ट सेट मैं अगेन करता हूं ये देखिए गेट भी आ रहा है सेट भी आ रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट मैं कर देता हूं <coughs> यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट में हंड्रेड कर देता हूँ कंट्रोल करता हूँ और इसको मैं दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ तो मैं क्या करूंगा मेरे पास जो लेटेस्ट वन अपडेटेड वैल्यू होगी वो कंपाइल होगी आ जाएगी इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी इसका आंसर जनरेट होता है कंपाइलेशन वीडियो चलती है तो मैं इसका आंसर इसको आपको दिखाता हूँ ठीक है ये मैंने इसकी विंडो चलाई और उसके बाद ये देखें जो लेटेस्ट वन है हालांकि मेरे पास दो वैल्यूज कंपाइल हो रही है एक 5 और एक हंड्रेड लेकिन उसने लेटेस्ट वन दिखाई है क्योंकि मैं इसको सी आउट जस्ट ओनली वन टाइम कर रहा हूँ ठीक है तो उसने जस्ट मुझे वन लेटेस्ट वन जो वैल्यू है वो दिखा दी है अगर मैं दोबारा से करता हूं, इस को करता इस कोड को कॉपी पे एंटर तो, तो बेटा जी प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर जा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे तो इसमें जो है ए की वैल्यू को जो है उसने ओवर राइड कर दिया ठीक है ए की वैल्यू को अगेन मुझे डिस्प्ले करा दिए देखिए हंड्रेड टू टाइम डिस्प्ले करा दिया अगर मैं अलग अलग वैल्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना क्या करना पड़ेगा मुझे इसको थोड़ा सा इस कोड को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा रिफाइन करना पड़ेगा ठीक है उसके लिए क्या चीज है जी सबसे पहले मैं करता क्या हूं? सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डॉट सेट फाइव किया हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट सेट हंड्रेड किया हुआ है ये जो सेट का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है ना ठीक है इसको मैं टू टाइम लिखता हूँ ठीक है एक और फंक्शन बना लेता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्टो सेट है यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेट वैल्यू ऑब्जेक्टोर सेट वैल्यू ठीक है यहां पे मैंने ये वैल्यू ली <coughs> अब यहां पे मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट सेट की जगह ऑब्जेक्ट सेट अंडरस्कोर वैल्यू दूसरी मेंबर फंक्शन का नाम लिख देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट गैट जस्ट ओनली वन टाइम करना पड़ेगा इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट आपको वन टाइम करना पड़ेगा या टू टाइम करना पड़ेगा उसको पहले मैं जस्ट वन टाइम रिमूव कर रहा हूँ और देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट सेट करने गेट करने से दोनों वैल्यूज रिटर्न होती है मेरे पास ठीक हो गया अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ जैसे ही मैंने कंपाइल किया तो जस्ट मेरे पास ओनली वन अपडेटेड वैल्यू आई है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दोनों वैल्यू आनी चाहिए ठीक है तो दोनों वैल्यू मुझे थोड़ा सा इसके कोड में और थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डॉट कैट की है ना तो इसके लिए मुझे ना ऑब्जेक्ट डॉट कैट इंट गेट रिटर्न एक्स यहाँ पे मैं प्राइवेट मेंबर के अंदर जो है एक्स कोमा वाई लिखता हूं एक और मेंबर साइन कर देता हूं ठीक है यहां पे मैं रिटर्न वाई करता हूं ठीक हो गया और उसके बाद रिटर्न एक्स और उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न वाई ठीक है अब यहां पे रिटर्न एक्स भी हो गया रिटर्न वाई भी हो गया ऑब्जेक्ट डॉट सेट ऑब्जेक्ट डॉट सेट वैल्यू ठीक है ऑब्जेक्ट गेट यहां पे ऑब्जेक्ट गेट में दो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा हूं तो आप देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आउटपुट आती है इसको कंपाइल किया कंपाइल करने के बाद मैं आपसे के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ ठीक है तो आपको इसके आउटपुट्स नजर आएंगी कि क्या आउटपुट दे रहा है तो उसने क्या किया जी सेकंड वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया है तो इसका मतलब यह है कि मुझे ना यहाँ पे जो सिंगल यूनिट मैंने एक बनाया है एक यूनिट से काम नहीं चलेगा मुझे यहाँ पे एक और यूनिट बनाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल इंट गेट अंडरस्कोर वैल्यू ठीक है गेट अंडरस्कोर वैल्यू करने के बाद मैं एंटर करूंगा दूंगा और उसके बाद रिटर्न वाई करूंगा ठीक है यहाँ पे रिटर्न एक्स भी हो गया और रिटर्न वाई भी हो गया अब यहाँ पे है ऑब्जेक्ट डॉट गेट और यहाँ पे एक और कमांड चलाएंगे ऑब्जेक्ट डोट गेट वैल्यू ठीक है ऑब्जेक्ट डोट गेट वैल्यू कंट्रोलर्स किया कंट्रोलर्स करने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल फाइव करते हैं तो देखते हैं हमारे पास दोनों के दोनों रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं आते ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेट और पे मेरे पास दोनों के दोनों रिजल्ट आ गए हैं पहली वैल्यू भी आ गई है और दूसरी वैल्यू भी आ गई है ठीक हो गया इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करता हूँ और दिखा देता हूँ ये यह देखें यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यूज आ रही हैं फाइव भी आ रही है और हंड्रेड भी आ रही है ठीक है तो ये तरीका कार होता है मतलब किस तरीके से आप इनकेप्सुलेशन करते हैं इनकेशन से से वैल्यूज लेके आ सकते हैं तो स्टूडेंट्स की इनकेप्सुलेशन का आपका टॉपिक था मैंने आपको पढ़ा दिया इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मैं और कोड आपको करवाऊंगा और उसके बाद आगे हम चलेंगे ठीक है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें ऑनलाइन लेक्चर्स को देखते रहें और इसके ऊपर कंसनट्रेशन रखें ठीक है इन ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है ठीक है ओके ठीक अल्लाह हाफिज़